माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों की सुरक्षा व यातायात नियमों को लेकर एसडीएम कार्यालय सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर, एसएचओ देवानंद, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज भगत राम, उपमंडल के सभी स्कूलों के प्रबंधक प्रधानाचार्य बैजनाथ पपरोला, टैक्सी यूनियन के प्रधान, स्कूलों में गाड़ी चलाने वाले चालकों ने भी भाग लिया। बैजनाथ एसडीएम विकास शुक्ला ने स्कूली गाड़ियों के चालकों द्वारा की जा रही यातायात नियमों की अवहेलना से स्कूली गाड़ियों की बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले व रूल्स 115 तथा निर्देशों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से कहा कि वे स्कूलों में प्राध्यापक अभिभावक मीटिंग में अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल में पैदल आने जाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बैजनाथ व आसपास के रिहायशी बच्चों को स्कूल में पैदल आने जाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल के लिए निजी व छोटे वाहन का प्रयोग ना करें, केवल 15 सीट से ऊपर के वाहनों का इस्तेमाल करें। बच्चों की उम्र के हिसाब से 1.5 गुना सीट बढ़ा सकते हैं, लेकिन ओवर लोडिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधकों को अपने ट्रैफिक प्लान, गाड़ियों की संख्या आदि 15 अप्रैल तक डीएसपी कार्यालय बैजनाथ में जमा करवाने के निर्देश भी दिए। इस बाबत कोई स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी शिकायत संबंधित शिक्षा बोर्ड से की जाएगी, ताकि उत्तक स्कूल की संबद्धता निरस्त की जाए। वहीं स्कूल वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत चालान तथा अदालत की अवमानना माना जाएगा। वहीं दूसरी बैठक में बैजनाथ, पपरोला, टैक्सी यूनियन व चालकों ने भाग लिया। एसडीएम विकास शुक्ला व डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर ने यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले दुपहिया वाहन चालकों पर पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा। बाजार में गुजरने वाली सभी वाहनों की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। बैजनाथ का पंडोल रोड में 200 मीटर तक तथा पपरोला के उतराला रोड से पंचायत घर तक नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। अब इन दोनों जगहों में गाड़ी पार्क नहीं की जाएगी तथा अवहेलना करने वाले पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग नगर पंचायत व व्यापार मंडल के सहयोग से दोनों बाजारों में येलो लाइन लगवा कर पेड पार्किंग चिन्हित की जाएगी। चौविन चौक में लोगों को सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉस भी लगाया जाएगा। निजी वाहनों को सवारी ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसके लिए टैक्सी वालों को पुलिस की मदद करनी होगी या इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दे, ताकि उन पर शिकंजा कसा जा सके। इस अवसर पर रेणु शर्मा, अंजू नवनीत डोगरा, प्रकाश डोगरा, अनिल शर्मा, सुरजीत सिंह काका, संजय शर्मा, विकास कुमार आदि मौजूद रहे। हमने डिसाइड किया कि नितिन व्यास वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 SCC 700 में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइंस हमको दी हैं कि वॉकिंग कल्चर प्रमोट करना चाहिए, जो टैक्सीज हैं उनको रिड्यूस करके नंबर ऑफ टैक्सीज, हम बसेस को एंगेज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कार पूलिंग्स के लिए हम PTM ऑर्गेनाइज करवाएंगे स्कूल्स की, ट्रैफिक वार्डन्स अपॉइंट करेंगे, ओवरलोडिंग जो है अवॉइड किया जाएगा। जो केस में रेशियो डिसेंड आई है वो हाई कोर्ट बोलना चाहता है कि बच्चे की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, और अदरवाइज जो ऑबिटर डिक्टा कोर्ट ने दिया है, जितनी भी DC शिमला के सजेशंस हैं या DC कांगड़ा के सजेशंस हैं, उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे इन द लाइट ऑफ द MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और हमने 15 तारीख तक सारे स्कूल्स को निर्देशित किया है कि अपने अपने ट्रैफिक प्लान्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैजनाथ के सामने दे देंगे, देर आफ्टर हम उसको देखेंगे। सेकेंडली हमने येलो लाइंस इनकॉर्पोरेट करेंगे जो पार्किंग प्लेसेस हैं, और बोर्डिंग डी बोर्डिंग पॉइंट्स बनाएंगे उसमें, नगर पंचायत उसमें नो पार्किंग बोर्ड्स और पार्किंग वेज के बोर्ड्स लगाएगी, डिवाइडर्स लगाए जाएंगे इनलेट एंड आउटलेट्स पे, जो बस स्टैंड में उस पर हॉस्पिटल की सेपरेट पार्किंग की जाएगी, और प्राइवेट नंबर्स की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको एज ए टैक्सी ऑपरेट नहीं किया जाएगा। अगर एज ए टैक्सी ऑपरेट होंगे तो हम उनको इम्पाउंड करेंगे गाड़ियों को, और ट्रैफिक इंचार्ज और सिविल सोसाइटी के माध्यम से जो भी सजेशंस आएंगे कहाँ पे डीबोर्डिंग पॉइंट बनने हैं, येलो लाइंस कहाँ पे खींचनी है, उसका जल्दी ही SHO साहब करेंगे निर्धारित।